टू द लॉ वाला चैनल। मेरा नाम है इसरा और लॉ वाला के फाउंडेशन बैच पे मैं आप लोगों के साथ सीपीसी कवर करने वाली हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो मेजर डिफरेंस था जजमेंट ऑर्डर और डिग्री के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो कवर कर लिया है। ये आपको जानना इसीलिए जरूरी होता है ताकि जो आगे आने वाली क्लासेस हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एग्जीक्यूशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये शब्द बार बार आपसे टकराएंगे पूरे सिविल प्रोसीजर कोड में, तो इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंदर हम लोग डिग्री का जो शब्द है उसको समझने वाले हैं, उसको तोड़ मड़ोड़ के पूरी तरह से धुआं धुआं करने वाले हैं, अच्छे तरीके से सब कुछ कवर करने वाले हैं डिग्री के पर्सपेक्टिव से। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉ ग्रेजुएट्स हो चाहे वो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हो। क्यों? क्योंकि ये प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस में पूछा जाता है। प्रिलिम्स में इसके प्रोविजंस पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, क्या एक डिग्री होती है क्या एक डिग्री नहीं होता है ये पूछा जाता है, केस लॉस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि डिग्री की डेफिनेशन कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 10 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन सीधे सीधे डिग्री से रिलेटेड पूछा जाता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, डेली टारगेट्स क्या होने वाले हैं हमारे। फर्स्टली वी आर गोइंग टू कवर डिग्री। डिग्री इसके कंटेंट्स देखने वाले हैं हम लोग, कहाँ पे इसके कंटेंट्स हैं, क्या क्या इसके कंटेंट्स में है, प्रोविजंस क्या हैं, ये कवर करेंगे। साथ ही साथ बाइफर्केशन करने वाले हैं डिग्री के डेफिनेशंस का और इसके एसेंशियल्स निकालने वाले हैं उसमें से। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डिग्री कवर करेंगे, कितनी टाइप हैं डिग्री की दी गई हैं हमारे लॉ में कवर करेंगे। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके मेन्स में बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो भी कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक एडजुडिकेशन क्या होता है। एक एडजुडिकेशन क्या होता है, एक एडजुडिकेशन होता है जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट, या कहिए आप न्यायकरण, कोर्ट के द्वारा किया गया न्याय, वो भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है। एक मैटर में कोर्ट जिस डिसीजन पे पहुंचता है वो भी एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है। तो ये जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन है ये दिया जाता है एक सूट में दिया जाता है, और ये दो प्रकार से दिया जाता है, या तो ये डिग्री के फॉर्म में दिया जाता है या तो ये ऑर्डर के फॉर्म में दिया जाता है। ऑर्डर कहाँ डिफाइंड है, 214 में डिफाइंड है, सीपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज 14। डिग्री डेफिनेशन आगे देखने वाले हैं, 2 सब क्लॉज 2 में डिफाइंड है, तो 2 सब क्लॉज 2 डिग्री डिफाइंड है। अब अगर हम लोग आगे बात करें ऑर्डर, किस ऑर्डर में डिग्री डिफाइंड है या किस ऑर्डर में डिग्री के बारे में बात करी गई है, लास्ट लेक्चर में मैंने डील किया था आप लोगों के साथ ऑर्डर जो है, ऑर्डर 20, रूल्स 6-19 स्पेसिफिकली डील विथ डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑर्डर 20 रूल 6-19 डील्स विथ डिग्री। अब देखिए रूल 6 कहता है कि कंटेंट्स क्या होंगे डिग्री के, कंटेंट्स ऑफ डिग्री क्या होंगे, कंटेंट्स नंबर ऑफ सूट, नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, रजिस्टर्ड एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज, ये सब डिग्री में मेंशन्ड होगा, ये सब दिया गया होगा डिग्री में। साथ ही साथ क्या रिलीफ ग्रांट करी गई है कोर्ट के द्वारा, द रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट, इट विल बी मेंशन्ड इन द डिग्री। अमाउंट ऑफ कॉस्ट, क्या कोर्ट ने कॉस्ट इम्पोज करी, किस पार्टी के ऊपर करी, और ये रिकवरेबल कहां से होगी, कहां से रिकवर करी जाएगी कॉस्ट, ये भी दिया जाएगा डिग्री में। क्या प्रॉपर्टी से रिकवर करी जाएगी, किस पार्टी से रिकवर करी जाएगी, ये भी मेंशन किया जाएगा डिग्री के अंडर ही। तो बेसिकली कंटेंट्स ऑफ डिग्री में जो भी डिग्री में मेंशन होगा, क्या क्या अंदर कॉन्स्टिट्यूट करेगा डिग्री, वो सब कंटेंट्स ऑफ डिग्री में दिए गए हैं। रूल सिक्स ए क्या कहता है, रूल 6A प्रेपरेशन ऑफ डिग्री से रिलेटेड है। प्रेपरेशन ऑफ डिग्री कहता क्या है, कहता है कि भाई जजमेंट जब प्रोनाउंस कर दिया गया है
उसके 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर आप डिग्री प्रिपेयर कर दो। और अगर 15 दिन के अंदर डिग्री नहीं प्रिपेयर करी गई तो जो डिग्री, जो जजमेंट डेटर है उसके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, चाहे वो अपील करवाए, चाहे वो रिव्यू में जाए, चाहे वो रिविजन में जाए, वो ये करवा सकता है। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर डिग्री प्रिपेयर कर दीजिए, वरना उसका वो ऑप्शन खुल जाएगा और वो जजमेंट के अगेंस्ट कर सकता है अपील। ये बात हो गई आपकी इतनी इंट्रोडक्शन की। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि भाई डिग्री होती क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, ये क्या होता है, ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब एडजुडिकेशन क्या है ये तो क्लियर हो गया है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, एक्सप्रेसिंग इट मतलब कोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है द राइट्स ऑफ द पार्टीज, राइट्स ऑफ द पार्टीज। और ये जो डिटरमाइन करता है कैसे करता है, कंक्लूसिवली जो है ये राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमाइन करता है। अब ये जो राइट्स हैं, ये जो राइट्स हैं ये कहीं हवा में आई हुई राइट्स तो है नहीं भाई, ये राइट्स जो है कहीं हवा से तो आएंगी नहीं, ये इन कॉन्ट्रोवर्सी होनी चाहिए, उसी कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड होनी चाहिए। इन कॉन्ट्रोवर्सी मतलब जितने भी मैटर्स हैं कॉन्ट्रोवर्सी में उसी से रिलेटेड होनी चाहिए ये जो राइट्स हैं पार्टीज की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट डिटरमाइंस कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कॉन्ट्रोवर्सी विद ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट, उस सूट में। तो ये हो गई बात आपकी डिग्री की। अब एक पॉइंट ये आता है कि भाई डिग्री में और क्या क्या आता है, तो डिग्री क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स ए रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट मतलब ऑर्डर 7 रूल 11 में जो प्लेंट का रिजेक्शन होता है वो भी इंक्लूडेड होता है डिग्री में। साथ ही साथ पॉइंट बी की अगर हम लोग बात करें, पॉइंट बी की बात करें तो एनी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा डिटर्मिनेशन किया गया हो वह सेक्शन 144 पे, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 सीपीसी, ठीक है, ये रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें जो है ये डिग्री में इंक्लूडेड होंगी, डिग्री में आएंगी, चाहे वो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट हो या डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 144 हो। यहाँ पे रिटर्न की भी कई बार बात करी गई है, रिटर्न भी इसमें इंक्लूडेड होता है, रिटर्न ऑफ अ प्लेंट भी इंक्लूडेड होता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम लोग बात करें व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ डिग्री, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहां पे सबसे पहले ये हो जाएगा एनी एडजुडिकेशन। देखिए क्या आएगा, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज, अपील लाई करती है एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। अब कोई भी ऐसा एडजुडिकेशन है जहां पे अपील लाई कर रही, मतलब कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया है कोई मैटर और उसके अगेंस्ट जिस तरह से अपील फ्रॉम ऑर्डर्स में अपील लाई करती है उसी तरह से अगर अपील लाई कर रही है, तो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स कहां दिया है, ये दिया गया है सेक्शन 103 ऑर्डर 44, ये भैया अपील फ्रॉम ऑर्डर्स से आप गवर्न होते हो, यहां पे जो डिग्री नहीं मानी जाएगी। आइए बी पॉइंट देखते हैं, एनी डिसमिसल, डिसमिसल फ्रॉम डिफॉल्ट। अब ये जो डिफॉल्ट है ये डिफॉल्ट अराइज हो सकता है वॉन्ट
वॉन्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन के कारण, किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग में वॉन्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन के कारण ये डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट अराइज हो सकता है, या फिर अगर आप बात करो नॉन अपियरेंस से भी अराइज हो सकता है। मान के चलो अगर आप अपियर ही नहीं करें और आपका मैटर जो है वो डिसमिस हो गया फ्रॉम डिफॉल्ट, तो यहां पे ये डिग्री के कैटेगरी में नहीं आता है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक्सप्लेनेशन जो है, जो सेक्शन टू अप्रोच टू का जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन दो बातें करता है। एक तो वो टाइप्स ऑफ डिग्री बताता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिग्री बताता है कि भाई पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है, प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। ये टाइप्स ऑफ डिग्री बताता है और ये बताता है कि एक प्रीलिमिनरी डिग्री क्या होगी, एक फाइनल डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे प्रीलिमिनरी डिग्री के बारे में बात करता है, फाइनल डिग्री के बारे में बात करता है, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री के बारे में बात करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। सेक्शन टू सब क्लॉज टू से आई होप इतनी बात जो है आपकी क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये बाइफरकेशन करके हम लोगों को ये निकल के आता है। हॉप ऑन करते हैं हम लोग जल्दी से एसेंशियल्स पे। अब ये डेफिनेशन देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या एसेंशियल्स निकल के आएंगे? सबसे पहला एसेंशियल क्या होना चाहिए? सबसे पहला एसेंशियल जो है वो ये होना चाहिए कि एक एडजुडिकेशन होना चाहिए। ये एडजुडिकेशन एक सूट में होना चाहिए। इसमें राइट्स पार्टीज की जो पार्टीज की राइट्स हैं वो डिटरमाइन होनी चाहिए। कैसे आप डिग्री कैसे दोगे, प्रिपेयर कैसे करोगे अगर आप राइट्स ही नहीं डिटरमाइन कर रहे हो? ठीक है, ये जो डिटरमिनेशन होना चाहिए ये कंक्लूसिव होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ कंक्लूसिव डिटरमिनेशन और एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। आइए इन सारे ही एसेंशियल्स को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एडजुडिकेशन की बात करें तो एडजुडिकेशन हम लोग ये समझ गए भाई एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है, जुडिशियल डिसीजन होता है या जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है। तो कहने की बात ये है कि अगर एक एडजुडिकेशन नहीं है, मदन नायक एक इंपॉर्टेंट केस था सुप्रीम कोर्ट का, 1983 का जजमेंट है, मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी के केस में ये कह दिया गया था कि जहां पे एडजुडिकेशन नहीं है वहां पे डिग्री नहीं प्रिपेयर करी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। अ डिग्री कैन बी गिवन ओनली व्हेन देयर इज एन एडजुडिकेशन। तो एक डिग्री को होने के लिए एक एडजुडिकेशन का होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से एक और केस लॉ था, दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का केस, 1994 सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। ये कहता है भाई इसमें क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि डिग्री देगा कौन, क्या कोई भी अथॉरिटी दे सकती है, क्या कोई भी ऑफिसर दे सकता है? तो इस केस में डिसाइड किया गया कि एक ऑफिसर के द्वारा दी गई जो डिग्री है वो डिग्री नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ एक ऑर्डर की कैटेगरी में रहता है। एक डिग्री को डिग्री होने के लिए एक सिविल कोड के द्वारा दिया जाना बहुत जरूरी है। अ डिग्री कैन ओनली बी पास्ड पास्ड बाय अ सिविल कोड। सिविल कोड मतलब ऑफिसर के द्वारा जो दी गई, यहाँ पे क्वेश्चन यही था, एक ऑफिसर के द्वारा दी गई डिग्री, मतलब जो भी आप डिटरमाइन कर रहे हो एक ऑफिसर के द्वारा, वो डिग्री की कैटेगरी में नहीं आती है। तो दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का जो केस है वो इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सूट की। तो सूट, सबसे पहली बात तो ये समझ लो, इट इज नॉट बीन डिफाइंड। सूट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड। दूसरी बात ये समझिए,
हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड। इस केस में ये कहा गया, बताया गया किसके द्वारा? प्रिवी काउंसिल के द्वारा। प्रिवी काउंसिल के द्वारा ये बताया गया भाई एक सूट होता क्या है। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जनरली, जनरल टर्म्स में अगर हम लोग समझे तो सूट क्या होता है? सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। आ गई बात वही क्लियर? तो यहां पे हंसराज गुप्ता के केस में कहा गया, प्रिवी काउंसिल ने कहा सूट वही होता है जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाए। कहने का मतलब यह है जहां पे प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट नहीं वहां पे सूट नहीं, जहां पे सूट नहीं वहां पे डिग्री नहीं। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का कोई मैटर है तो वहां पे अगर आप कहो कि कोई सूट है ये, तो वो सूट की कैटेगरी में नहीं आता है। इतनी बात क्लियर हो गई? आप आगे बात बढ़ते हैं। अब देखिए राइट्स ऑफ द पार्टीज, यहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टीज की बात करी गई है। अब ये जो राइट्स ऑफ द पार्टीज हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक तो होती है सब्सटेंटिव राइट्स, और एक होती है प्रोसीजरल राइट्स। सब्सटेंटिव राइट्स जो होती हैं वो बेसिकली डिग्री की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन प्रोसीजरल राइट्स डिग्री की कैटेगरी में नहीं आती हैं। कहने का मतलब ये है कि सब्सटेंटिव राइट्स जहां पे एक्चुअल में उस मैटर से रिलेटेड, वो जो मैटर है उससे रिलेटेड कौन सी राइट्स निकल के आ रही है पार्टीज की, मैटर मैटर कंसर्न्ड। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रोसीजरल राइट्स की, तो प्रोसीजरल राइट्स में बेसिकली क्या होता है, ये मैटर जो मैटर इन इश्यू है उससे रिलेटेड नहीं होती है। प्रोसीजरल राइट्स मतलब प्रोसीजर जो होता है उस सूट में फॉलो किया जाता है। मान के चलिए अगर आप इंडिजेंट पर्सन है तो आप एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो होती है वो इसमें आती है आपकी प्रोसीजरल राइट्स में। लेकिन सब्सटेंटिव राइट्स में जैसे कि आपको क्या ओनरशिप है आपकी, क्या आपका टाइटल निकल के आ रहा है, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, या फ्रेम ऑफ इशू से रिलेटेड, ये सारी जो चीजें निकल के आती हैं ये सब्सटेंटिव राइट्स होती हैं। और यहां पे सब्सटेंटिव राइट्स की ही बात करी गई है, यहां पे सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द पार्टीज की ही बात करी गई है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट यहां पे डील नहीं किया गया है एज फार एज द डिग्री इज कंसर्न। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर हम लोग कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन की, अगर हम लोग कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन की बात करें तो कहने का मतलब ये होता है कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए बाय द कोर्ट। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि एक फाइनल डिटर्मिनेशन आना चाहिए, फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज। एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब ये है कि जो राइट्स हैं पार्टीज की वो वेगली नहीं डिसाइड करें आप फाइनली डिसाइड करें, कंक्लूसिवली डिसाइड करें, तभी डिग्री की कैटेगरी में आती है, तभी वो डिग्री में मेंशन किया जाएगा, वरना फिर वो डिग्री नहीं बनाता है अगर वो फाइनली आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फॉर्मल एक्सप्रेशन की, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये जो डिग्री होती है, डिग्री मस्ट अग्री विद द जजमेंट। इतनी बात क्लियर है? तो ऑर्डर 20 जो है वो दोनों ही से रिलेटेड है, 1 से 5 आपको जजमेंट मिलेगा और 6 से 19 जो है आपको डिग्री मिलेगा। ये जजमेंट है, ये डिग्री के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 33 वो भी इसी से रिलेटेड है। तो यहां पे डिग्री जो है वो जजमेंट से अग्री करनी चाहिए, साथ ही साथ इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद इन 15 डेज। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात,
बोथ हैव टू बी प्रिपेयर्ड, सेपरेटली मतलब जजमेंट और डिग्री दोनों ही सेपरेटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, ये इनफॉर्मली नहीं दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ये फॉर्मली दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। जजमेंट भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, डिग्री भी हो गया, ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। जजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जजमेंट एक स्टेटमेंट होता है, इट इज द स्टेटमेंट मेड बाय द जज। लेकिन अगर हम लोग ऑर्डर और अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग डिग्री के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। ये जो लिस्ट है इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि ये क्यों दी गई है, कि इसमें ये पॉइंट क्यों आया है, ये सब डिसाइड किया जाता है थ्रू केस लॉज। केस लॉज के माध्यम से ये सारी लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। भाई किसी केस लॉ में ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट को डिग्री बता दिया, किसी में एविडेंस ऑफ वॉन्ट फॉर ऑफ एविडेंस ऑफ प्रूफ को डिग्री बता दिया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं यहाँ पे इसी पॉइंट पे जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कई चीजों के इनडेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है, कई चीजों को इसी तरह से प्रिपेयर करिए। आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार डिग्री है, डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वॉन्ट ऑफ एविडेंस और प्रूफ डिग्री है, रिजेक्शन ऑफ क्लेम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस डिग्री है, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट और इंस्टॉलमेंट डिग्री है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कोर्ट डिग्री है, ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल डिग्री है, ऑर्डर होल्डिंग दैट राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव डिग्री है, ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन डिग्री है, ऑर्डर रिफ्यूजिंग वन ऑफ सेवरल रिलीफ डिग्री है, डिसीजंस व्हिच आर नॉट डिग्री। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं जो डिग्री नहीं है, जो डिग्री की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सबसे पहले डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, ये डिग्री की कैटेगरी में नहीं आता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स, डिग्री की कैटेगरी में नहीं आता है। रिमांड का ऑर्डर डिग्री नहीं होता है। ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ डिग्री की कैटेगरी में नहीं आता है। रिटर्न ऑफ क्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट डिग्री की कैटेगरी में नहीं आता है। साथ ही साथ डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1, तो ये डिग्री की कैटेगरी में नहीं आता है। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले डिग्री की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑर्डर होल्डिंग एन एप्लीकेशन टू बी मेंटेनेबल डिग्री नहीं होता है। ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल डिग्री की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑर्डर डायरेक्टिंग असेसमेंट ऑफ मेनी प्रॉफिट्स डिग्री नहीं होता है। तो ये सारे डिसीजंस होते हैं जो डिग्री में नहीं आते, ये प्रीलिम्स में एज इट इज आता है। चार ऑप्शन आपके डिग्री नहीं के ले लेंगे, एक ऑप्शन आपका ले लेंगे जो डिग्री होता है, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी डिग्री होती है, तो आपको उसका आंसर देना होता है। तो ये सारी चीजें कंफ्यूज कर देती हैं अक्सर। अब हम लोग आ जाते हैं क्लासेस ऑफ डिग्री पे, कितने टाइप्स ऑफ डिग्री बताई गई है। टाइप्स ऑफ डिग्री ये कहां दिया गया है, अगेन सेक्शन 2 सब क्लॉज 2। टाइप्स ऑफ डिग्री में सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आती है प्रीलिमिनरी डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आती है फाइनल डिग्री, और फाइनली आती है पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल। तो ये तीन बेसिक टाइप्स हैं ऑफ डिग्री जो हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता में दी गई हैं और जिनको समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री क्या होती है। देखिए प्रीलिमिनरी डिग्री को अगर समझना है तो बस इतनी सी बात समझिए, जहां पे जो मैटर है वो जब कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं होता है तो वो, और अगर उस किसी मैटर पे प्रीलिमिनरी डिग्री पास हो रही है तो आप समझ लीजिए वो एक प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पास करी जा रही है, जहां पे फाइनली नहीं डिस्पोज ऑफ हो रहा है मैटर। When further proceedings
आर येट टू बी, आर येट टू बी टेकन। या फिर द मैटर इज नॉट येट कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। तब ये जो डिग्री होती है ये एक प्रीलिमिनरी डिग्री होती है। तब आप ये समझ लीजिए ये एक प्रीलिमिनरी नेचर की डिग्री होती है। जब अभी फर्दर प्रोसीडिंग्स दे आर येट टू बी टेकन और मैटर जो है वो कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है अभी, तो ये डिग्री एक प्रीलिमिनरी नेचर की होती है। और शंकर वर्सेस चंद्रकांत का एक लीडिंग केस लॉ है, शंकर वर्सेस चंद्रकांत का लीडिंग केस लॉ है इसी पॉइंट पे, जो डील कर रहा है कि भाई एक प्रीलिमिनरी डिग्री क्या होती है। तो यही समझने की बात है कि भाई फर्दर प्रोसीडिंग्स अभी बची हैं और मैटर अभी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, तो एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास करी गई है। अब देखिए, अब कोर्ट जो है प्रीलिमिनरी डिग्री इतने सूट्स में पास करने के लिए कहता है। कोर्ट में प्रीलिमिनरी डिग्री इतने सूट्स पे पास करी जा सकती है। सूट्स फॉर पोजेशन एंड मिनी प्रॉफिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स, सूट्स फॉर प्रीएम्पशन, सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सूट्स फॉर अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, सूट्स फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन, सूट्स फॉर फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज, सूट्स फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, सूट्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज। ये मैटर्स हैं जिसपे प्रिलिमिनरी डिग्री पास करी जाती है। और जैसा कि नाम कह रहा है भाई, ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिमिनरी डिग्री का जो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये जो हेडिंग है ये आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। तो ये प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है भाई, क्या मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिग्री पास करी जा सकती है? क्या एक से ज्यादा प्रीलिमिनरी डिग्री किसी भी मैटर में पास करी जा सकती है? तो फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल का केस था 1967 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां पे पार्टीशन से मैटर है, जहां पे पार्टीशन से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वहां पे मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिग्री पास करी जा सकती है। ठीक है, तो इन पार्टीशन सूट, इन पार्टीशन सूट More than one preliminary degree can be passed. लेकिन कोर्ट ने और अदर मैटर्स पे ये क्लियर नहीं करा। पार्टीशन से रिलेटेड जो मैटर है उनमें तो क्लियर कर दिया फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में कि मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिग्री पास करी जा सकती है, लेकिन अदर मैटर्स में कोर्ट ने क्लियर नहीं करा। तो इसपे हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। लेकिन ये भी कहा गया कि कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। तो मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिग्री इज नोवेयर रिस्ट्रिक्टेड इन द कोड। और जहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, तो आप क्या इंप्लाई करोगे उससे कि भाई आप पास कर सकते हो? तो उसी तरह से इस पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। कुछ हाई कोर्ट्स कुछ कहते हैं और कुछ हाई कोर्ट्स का ओपिनियन कुछ और होता है, लेकिन पार्टीशन सूट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 1967 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी टॉक अबाउट द फाइनल डिग्री। अगर हम लोग फाइनल डिग्री की बात करें तो यहाँ पे फाइनल डिग्री में दो पॉइंट्स हैं समझने के लिए। ये भी सेक्शन 2 में बताया गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में ही बताया गया है फाइनल डिग्री के बारे में। फाइनल डिग्री वो डिग्री होती है when it completely disposes of the suit, when the decree completely disposes of the suit, और दूसरी बात when no appeal has been preferred या हैज बीन मेड वेन देर वॉज अ राइट टू अपील।
ऐसे मैटर्स में जहां पे राइट टू अपील एग्जिस्ट कर रही है और आपने अपील नहीं करी, आपने व्हेन नो अपील हैज बीन मेड व्हेन देयर वाज अ राइट टू अपील, तो वहां पे फाइनल डिग्री मान लिया जाता है। वो जो डिग्री पास करी गई है वो एक फाइनल डिग्री है। और व्हेन द डिग्री कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट, तो ये क्या होता है, ये एक फाइनल डिग्री की कैटेगरी में आ जाती है, अपील थी। और फिर ये जो है हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा जो है डिसाइड कर दिया गया है, हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा इस डिग्री को प्रिपेयर करके पास कर दिया गया है, तो ये फाइनल डिग्री की कैटेगरी में आ जाती है। हम लोग बात करते हैं सेक्शन 97 ऑफ सीपीसी के अंडर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। सेक्शन 97 के अंडर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि मान के चलिए आपके अगेंस्ट प्रीलिमिनरी डिग्री पास करी गई है, आपके अगेंस्ट मतलब ए के अगेंस्ट प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो पास करी गई। प्रीलिमिनरी डिग्री पास होने के बाद ए ने उसके अगेंस्ट ना तो अपील करी और ना रिव्यू में गया, ना रिवीजन में गया, किसी कोई भी इसने अपना ऑप्शन नहीं चूज किया, ऑप्ट नहीं किया। अब क्या हुआ, अब उसके अगेंस्ट फाइनल डिग्री पास हो गई, फाइनल डिग्री पास हो गई। अब ए क्या कर रहे हैं, अब फाइनल डिग्री के टाइम पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये फाइनल डिग्री तो नहीं पास हो सकती है, ये फाइनल डिग्री तो नहीं पास हो सकती है, ये करेक्ट नहीं है, इसकी करेक्टनेस को चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ये सेक्शन 97 में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। कहने का मतलब ये है, अ पर्सन हु डिड नॉट क्वेश्चन द प्रीलिमिनरी डिग्री पास्ट अगेंस्ट हिम, पास्ट अगेंस्ट हिम, ही कैन नॉट क्वेश्चन द करेक्टनेस ऑफ फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री के करेक्टनेस को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि भाई ये करेक्ट है भी कि नहीं, यू कैन नॉट क्वेश्चन। तो ये बेसिकली कहां बताया गया है, ये सेक्शन 97 जो है इससे डील करता है। और ये शीतल प्रसाद सक्सेना वर्सेस किशोरी लाल के केस में भी जो रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 97 के अंडर ये बताया गया है। अब फाइनल डिग्री और प्रीलिमिनरी डिग्री को आप समझने की कोशिश इस तरह से करिए। अब ए है, ए के अगेंस्ट मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है, उसके घर से रिलेटेड मामला है, तो क्या होता है, कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री को पास करके उस टाइम पे जो डिस्प्यूट है ए और बी के बीच में, उनकी राइट्स को कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि भाई आपकी ये राइट है, आपकी ये राइट है। अब फाइनल डिग्री के माध्यम से, फाइनल डिग्री पिक्चर में आएगा तब जब कोर्ट फाइनल डिग्री देगा और ये डिटरमाइन करेगा कि सो एंड सो पोर्शन जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, सो एंड सो पोर्शन बी को बिलोंग कर रहा है, या ये पूरी प्रॉपर्टी ए को बिलोंग कर रही है और आपको इतना पोर्शन या इतना मॉनेटरी टर्म कॉम्पेंसेशन जो है बी को देना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कोर्ट के ऊपर है। कहने का मतलब ये है, प्रिलिमिनरी डिग्री को प्रोनाउंस ही क्यों किया जाएगा, दिया क्यों जाएगा, ये बताने का समझाने की बात है कि कोर्ट चाहे तो इनिशियली डिटरमाइन कर सकती है, इनिशियली डिटरमाइन कर सकती है राइट्स को, और फाइनली फिर वो फाइनल डिग्री लाके उनकी कंप्लीटली जो है डिस्पोज ऑफ कर सकती है सूट को। तो ये हो गया आपकी फाइनल और आपकी फाइनल डिग्री और प्रीलिमिनरी डिग्री की बात, ठीक है। कई बार कोर्ट जो है कई बार इंटरलोकुटरी ऑर्डर्स भी पास करती है, इंटरिम ऑर्डर्स भी पास करती है। तो ये जो इंटरलोकुटरी ऑर्डर्स होते हैं, ये जो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, ये डिग्री की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। वो जो इंटरलोकुटरी ऑर्डर्स होते हैं वो डिग्री की कैटेगरी में नहीं आते। तो फाइनली इसी के साथ जो डिग्री का पोर्शन था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है, और जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज, ये हम लोग बहुत ही जल्द जो है बहुत ही जल्द हम लोग इसको कवर करेंगे अपने आगे आने वाली क्लासेस में। तो आई होप डिग्री का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको कवर क्लियर हो गया होगा, अच्छे से कवर हो गया होगा। एसेंशियल्स एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने चीजें कवर करी हैं। जो भी आपको डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरी है या कोई भी चीजें डिस्कस करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।